जैसे जब ये पेशेंट यहाँ आया था हमारे पारस अस्पताल में, तो उस समय तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी पेशेंट। पेशेंट बहुत स्टेबल है और जो जैसे पहले डिसओरिएंटेड था, अभी काफ़ी रिस्पॉन्ड कर रहा है, सारी बातें समझ रहा है और बहुत खुश है हम लोग उस पेशेंट को देख के जिस तरह से उसने रिकवर किया है। शोल्डर रीजन जो है एकदम स्मैश्ड हो गया था पूरा, एकदम सारी हड्डियाँ वहाँ की चूर चूर हो गई थी। रिप्लेसमेंट की बात हो रही थी कि इसको बचाया नहीं जा सकता है, अब इसको बदलना ही पड़ेगा, लेकिन चूंकि यंग लड़का है उसमें शोल्डर यूजुअली हम लोग जल्दी नहीं बदलते हैं, सभी हड्डियों को जगह पर लाकर उसको प्लेट से फिक्स कर दिया गया और अभी मरीज काफ़ी कंफर्टेबल है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में कौन है जिसने आपको रुलाया है 5 साल? कौन है जिसने आपको अपने हाल पर छोड़ा, बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं दिया, उखाड़ फेंकी ऐसे पार्षद और मेयर को? नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवी। अगर हम सड़क दुर्घटना से मौतों का आकलन करें तो करीब 40% मौत सड़क दुर्घटना में होती है। कई स्थिति में मरीज की स्थिति यह हो जाती है कि न वह जी पाता है और ना ही मर पाता है। बेनीपुर क्षेत्र में आमने सामने की मोटरसाइकिल और जीप की टक्कर में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके सर में काफ़ी चोट लगी और उसके कंधे की हड्डी चूर चूर हो गई। स्थिति नाजुक देखकर उसे पारस में भर्ती कराया गया। बाद में सभी ने यह निर्णय लिया कि एक ही रास्ता है कि कंधे का रिप्लेसमेंट किया जाए, लेकिन डॉक्टर आर के प्रसाद ने काफ़ी सूझबूझ और गंभीरता के साथ सभी टूटे हुए हड्डी को जोड़कर उसके कंधे को उस लायक बनाया जहाँ अब वह काम कर सकता है। पेश है एक रिपोर्ट पारस हॉस्पिटल से डॉक्टर आर के प्रसाद की बड़ी उपलब्धि, और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें जनहित में। आजकल अगर मौत का विश्लेषण करें तो 60% सड़क दुर्घटना में ही मौत सामने आती है, लेकिन जो बच जाते हैं उनके लिए जिंदगी बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है डॉक्टरों के लिए। मझौरा में ऐसे ही एक मरीज का आमने सामने जीप और मोटरसाइकिल की टक्कर में बुरी तरह दुर्घटना में घायल हो गया, जिसके सिर में काफी चोट लगी थी तो दूसरी तरफ उसका दाहिना तरफ का कंधा भी पूरी तरह जख्मी हो गया था। कंधे की हड्डी अलग अलग जगह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुकी थी, जिसे जोड़ना एक बहुत बड़ा चुनौती था। हालांकि एक जगह इलाज के बाद सभी ने बताया कि पारस हॉस्पिटल में ही आपका यहाँ ऑपरेशन हो सकता है, जहाँ डॉक्टर आर के प्रसाद को इस बात की सूचना दी गई। हालांकि पहले ये कहा गया था कि इसका शोल्डर रिप्लेस किया जाए, लेकिन कम उम्र के होने की वजह से इसे बचाना भी जरूरी था। इसके बाद डॉक्टर आर के प्रसाद ने मरीज के पूरे मेडिकल रिपोर्ट का अध्ययन किया, इसके बाद उसकी इलाज प्रारंभ की गई। सुनिए पहले मरीज के परिजन क्या कहते हैं, किस तरह दुर्घटना घटी थी और कहां घटी। चंदन कुमार। ये आपके कौन है? मेरा मामा है। क्या समस्या है? उसको एक्सीडेंट हो गया था। कहां पे? नरोरा। वहाँ से रिटायरमेंट होकर यहाँ पर आया। जब दुर्घटना घट जाती है उस समय मरीज के जीवन की रक्षा करना बड़े अस्पतालों की एक चुनौती होती है। आरके ऑर्थो आश्रम डॉक्टर आरके प्रसाद ने इस चुनौती को काफी गंभीरता से लिया। हालांकि उनके यहाँ उपस्थित एक पारस के ही एक डॉक्टर ने पूरी तरह मरीज का केस स्टडी करते हुए डॉक्टर आरके प्रसाद से सलाह किया। इसके बाद यह तय हुआ कि डॉक्टर आर के प्रसाद इस मरीज के ऑपरेशन करते हुए कंधे की टूटी हुई सभी हड्डियों को बारीकी से जोड़ने का प्रयास करेंगे, और डॉक्टर आर के प्रसाद ने इस कठिन चुनौती को स्वीकार किया। मेरा नाम डॉक्टर सौम्या सिंह है। ये कुंदन कुमार थे, इस तरह के केस में आप क्या ट्रीटमेंट में क्या आप कहना चाहें, किस तरह से ट्रीटमेंट की है? जैसे जब ये पेशेंट यहाँ आया था हमारे पारस अस्पताल में, तो उस समय तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी पेशेंट की। वो एकदम डिसओरिएंटेड था, अच्छे से रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा था, हेड इंजरी था, आरटीए का केस था वो, तो सर में काफ़ी चोट लगी थी और दाएं साइड के उसके शोल्डर में काफ़ी चोट लगी थी।
तो फिर उसका शुरू में तो बहुत मैनेज करने में काफ़ी लगी दिक्कत कि पता नहीं शायद कैसे, लेकिन जब हमारे डॉक्टर आर के प्रसाद सर ऑर्थोपेडिक सर्जन और हमारे डॉक्टर के एम झा सर हैं न्यूरो सर्जन, दोनों ने मिलके जो फिर उसका इलाज किया, सर ने उसका क्या कहते हैं शोल्डर रिप्लेसमेंट की जो बात हो रही थी फिर उसको सर ने प्लेट से फिक्स किया और के एम झा सर ने उसकी न्यूरो सर्जरी की तरफ से अपना इंटरवेंशन किया। तो अभी फ़िलहाल पेशेंट बहुत स्टेबल है और जो जैसे पहले डिसओरिएंटेड था अभी काफ़ी रिस्पॉन्ड कर रहा है, सारी बातें समझ रहा है और बहुत खुश हैं हम लोग उस पेशेंट को देख के जिस तरह से उसने रिकवर किया है। और उसके अटेंडेंट्स भी जो पेशेंट के थे वो लोग पहले तो एकदम होपलेस थे और उनको लग रहा था कि पता नहीं पेशेंट रिकवर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, फिलहाल अभी वो लोग भी बहुत सेटिस्फाइड हैं और बहुत खुश हैं। इस तरह के केस में जनता के लिए आप क्या राय देना चाह रही हैं? जनता के लिए तो यही राय देना चाहूँगी सबसे पहले कि ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं, तो सबसे पहले तो रैश ड्राइविंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, गाड़ी जब भी चलाएं बिल्कुल संभाल कर चलाएं और खासकर मोटरसाइकिल या जो भी दो पहिया वाहन हम चलाते हैं तो उसमें हेलमेट पहनना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि काफ़ी मतलब केसेस देखे हैं हमने जो हेलमेट नहीं पहनने की वजह से सर में इतनी गंभीर चोट लगी होती है, काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है, कभी कभी इतना इरिवर्सिबल डैमेज होता है कि सर्जरी के बाद भी हम लोग उसको क्योर नहीं कर पाते हैं। तो मैं जनता को यही कहना चाहूँगी कि क्या कहते हैं गाड़ी बिल्कुल सावधानीपूर्वक चलाइए, बिल्कुल अलर्ट होकर ट्रैफिक के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करिए और हेलमेट जरूर पहनिए। मरीज और डॉक्टर की तो आपने बात ही सुन ली, लेकिन समझिए जब एक मरीज के सिर में चोट लगी हो, सिर में क्लॉट बन गया हो, यही नहीं उसके कंधे की हड्डी पूरी तरह चूर चूर हो चुकी हो, उस कंधे की तमाम हड्डियों को एकत्रित करते हुए ऑपरेशन के जरिए उसे जोड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसे डॉक्टर आर के प्रसाद ने स्वीकार करते हुए मरीज का इलाज प्रारंभ किया और ऑपरेशन भी। कहा जाता है कि मरीज के परिजन पूरी तरह निराश हो चुके थे, उन्हें यह विश्वास नहीं था कि वो कभी उसका कंधा ठीक हो पाएगा, लेकिन डॉक्टर आर के प्रसाद ने जब विश्वास दिलाया तो मरीज के परिजन पूरी तरह रिप्लेसमेंट शोल्डर की जगह ऑपरेशन कर पूरे हड्डियों को जोड़ने पर विचार विमर्श किया और हरी झंडी दिखा दी। इसके बाद शुरू होता है पारस हॉस्पिटल में डॉक्टर आर के प्रसाद का इलाज और ऑपरेशन। मोटरसाइकिल एक्सीडेंट था, काफ़ी सीरियस एक्सीडेंट था, टकरा गई थी जीप से गाड़ी और हेड इंजरी भी था और शोल्डर जो है राइट साइड में शोल्डर रीजन जो है एकदम स्मैश्ड हो गया था, पूरा एकदम सारी हड्डियाँ वहाँ की चूर चूर हो गई थी। उसके बाद पहले तो हेड इंजरी का मैनेजमेंट हुआ, उसमें हड्डी टूट गई थी, बैट अंदर धंस गई थी जिसको कि ऑपरेशन से उठाया गया। अब शोल्डर की बात जो थी वो रिप्लेसमेंट की बात हो रही थी कि इसको बचाया नहीं जा सकता है, अब इसको बदलना ही पड़ेगा, लेकिन चूंकि यंग लड़का है उसमें शोल्डर यूजुअली हम लोग जल्दी नहीं बदलते हैं, इसलिए पूरा प्लान करके उसको बचाने का उपाय किया गया और फॉर्चुनेटली वो बच गया। उसको ऑपरेट करके सभी हड्डियों को जगह पर लाकर उसको प्लेट से फिक्स कर दिया गया और अभी मरीज काफ़ी कंफर्टेबल है और उम्मीद है कि एक आध महीने में वो अपना हाथ वगैरह सब चलाने लगेगा। अब जरा समझिए, जिस मरीज के कंधे की पूरी हड्डी चूर चूर हो चुकी थी, डॉक्टरों ने विशेषज्ञों ने यह सलाह दी कि अब इसके कंधे का रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर आर के प्रसाद को विश्वास था कि अगर कम उम्र के इस मरीज की जिंदगी बचानी है तो रिप्लेसमेंट की जगह एक बार एक्सपेरिमेंट कर देखा जाए ताकि तमाम टूटी हुई हड्डियों को जोड़ा जाए। इसके अलावा डॉक्टर आर के प्रसाद ने कहा कि अब वो पूरी तरह स्वस्थ है और कुछ दिनों के बाद इसके कंधे काम करने प्रारंभ कर देंगे। इसके अलावा उन्होंने सलाह दी कि जो बाइक सवार करते हैं वो गाड़ियों को सही तरीके से चलाएं, क्योंकि अधिकतर सड़क दुर्घटना में शरीर के कई अंग ऐसे प्रभावित हो जाते हैं जिससे मनुष्य पूरी तरह अपाहिज हो जाता है, लेकिन उस वक्त निर्णय लेने का है कि किस अस्पताल में आप मरीज का इलाज करवा रहे हैं। तो आप ड्राइविंग वगैरह जो कर रहे हैं उसको जो हिसाब से करें, क्योंकि मैक्सिमम एक्सीडेंट्स मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स ही आ रहे हैं अभी। और दूसरा कि जो नेचर ने दिया है, जिस तरह का अंग दिया है उसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है, उसका रिप्लेसमेंट जो है सो बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए जो है सो उसको बचाने का प्रयास जितना हो करना चाहिए।
अगर वो बच गया तो बहुत अच्छी बात है, और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। इस बात पर बिहार मिथिला न्यूज़ बार बार जोर दे रहा है कि जब कोई गंभीर मरीज हो उस मरीज को किसी ऐसे जगह ना भेजकर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी अगर आप भेजते हैं तो आपके मरीज के बचने की पूरी संभावना हो सकती है। लेकिन उन जगहों पर भेजने पर जहां आपके मरीज को निचोड़ लेता है, वक्त ले लेता है और बीमारी भी अधिक बढ़ा देता है, उसके बाद लोग भेजते हैं पारस जैसे हॉस्पिटल में जहाँ इस तरह की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता कि पारस पूरी रिस्क लेकर के मरीज की जान बचाने का प्रयास करता है। लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि मरीज क्रिटिकल कंडीशन में पहुंचते हैं जहां बचने की उम्मीद काफ़ी कम होती है। इस परिस्थिति में जहां सभी अस्पताल हाथ खड़े करते हैं वहीं से जिम्मेवारी शुरू होती है पारस की। डॉक्टर आर के प्रसाद को जब पारस हॉस्पिटल में बुलाया गया तो डॉक्टर आर के प्रसाद ने इस गंभीर मरीज को देखते ही चैलेंज स्वीकार किया और अंत में मरीज अस्वस्थ है और धीरे धीरे उसके कंधे का मूवमेंट भी प्रारंभ हो गया है, जो कि डॉक्टर आर के प्रसाद ने पूरे दरभंगा की एक उपलब्धि मानी है। और ये संदेश भी सबको देना चाहिए कि विपरीत परिस्थिति में आप वैसे हॉस्पिटल का चयन करें जो विशेषज्ञ डॉक्टर के द्वारा संचालित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज़।